बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इंतहाई सुस्त क्रिकेटर की फरिस्त जारी हो गई। अभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। इमाम हुक ने अपनी शादी से पहले बाबर आजम की शादी की शर्त रख दी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तफसील के मुताबिक वसीम अकरम और मी अंदाद ने बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी तक स्टार क्रिकेटर्स की एक तवील फरिस्त है जो पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया को दिए। तहम पाकिस्तान ही ने कुछ दुनिया के इंतहाई सुस्त खिलाड़ी भी पैदा किए जिनके सरफे लेजेंड बल्लेबाज इंजमामुल हक हैं। न्यूज़ वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के सुस्त तरीन फील्डर्स की एक फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में इंजमामुल हक को पहले नंबर पर रखा गया। भारी भरकम के मालिक इंजमामुल हक ने अपने करियर में 120 टेस्ट मैचों में 81 कैच पकड़े, जबकि 378 वनडे मैचों में 113 कैचेस पकड़े। वो स्लिप के बेहतरीन फील्डर थे जहां उन्होंने कई बेहतरीन कैच भी पकड़े। तहम मजमूई तौर पर इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर का सुस्त तरीन फील्डर भी ख्याल किया जाता है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद यूसुफ हैं जो मिडल आर्डर बल्लेबाज थे, लेकिन फील्डिंग में इनकी कारकर्दगी कुछ मुस्तातिर नहीं थी। इनका शुमार भी पाकिस्तान के सुस्त तरीन फील्ड्स में होता है। इनमें 90 टेस्ट 288 वनडे मैचेस के लिए बेलतरतीब 65 और 58 कैचेस पकड़े। अब्दुल्जार क्रिकेट की तरीके के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक थे। बॉलिंग बैटिंग में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तहम फील्डिंग में वो भी हमेशा कमज़ोर ही नज़र आए। उन्होंने 86 टेस्ट 265 वनडे और 32 T20 मैचेस खेले, बिलतरतीब 15-35 दो कैचेस पकड़े। सईद अजमल का शुमार दुनिया के उमदा बेहतरीन स्पिनर में होता है। वो गेंद पर गैर यकीनी हद तक कंट्रोल रखते थे। तहम यही बातें इनकी फील्डिंग की सलाहियत के मुतलिक नहीं थीं। फील्डिंग में वो सुस्त वाक़ हुए। पाकिस्तान के सुस्त तरीन फील्डर की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा बैठे। उन्होंने 36 टेस्ट मैचों में 11 और 113 वनडे मैचों में 25, 64 T20 मैचों में 12 कैचेस किए। मोहम्मद अरफान दुनिया के बेहतरीन बॉलर में से एक थे जिन्होंने 7 साल के इंतहाई मुख्तसर करियर में बल्लेबाजों के छक्के चढ़ा दिए, मगर फील्डिंग में वो भी सुस्त वाकिया हुए। उन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले, कोई कैच नहीं पकड़ा, जबकि 60 वनडे मैचेस खेलकर 11 कैच किए। उन्होंने अपने करियर में 22 T20 मैचेस खेले और सिर्फ एक कैच किया। एक और न्यूज़ में कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने अपनी शादी से पहले कौमी क्रिकेटर बाबर आजम की शादी की शर्त रख दी। उन्होंने कहा किसी से मोहब्बत नहीं हुई, दुआ है मोहब्बत किसी से ना हो। शादी के बारे में उन्होंने कुछ ही सोचा। कप्तान बाबर आजम की शादी होगी, फिर ही मेरी शादी होगी। कौमी टेस्ट क्रिकेटर ने कहा हो सकता है कि 1.5 साल में एक शादी कर लूँ, लेकिन अभी सारी तवज्जो क्रिकेट पर है। क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, मीम्स बनाते हैं तो अच्छा लगता है। बाबर आजम के साथ साथ कुमार संगकारा विराट कोहली का भी गर्विदा हूँ। जब मौका मिलता है इतमाद में दिया जाता है और परफॉर्मेंस में निखार आता है। कोशिश करता हूँ मैच गुजर गया उसे भूल कर अगले मैच पर फोकस करूँ। ख्वाहिश है कि तीनों फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी करूँ। 2020 मैच फार्मेट के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह की ये वीडियोज़ लगी हैं हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।